हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और रुक करते हैं एक नई अपडेट की तरफ। ये अपडेट नई वैकेंसी की है, भू राजस्व विभाग की तरफ से नई भर्ती। 2700 से भी ज्यादा पदों की बहाली है, बंपर बहाली है। क्योंकि इस विभाग में आपको बता दें कि लगभग 8 साल हो चुके हैं और ये नई वैकेंसी अभी तक इस विभाग में नहीं दी गई थी। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे नियुक्ति पत्र भी बांटे हैं, और नियुक्ति पत्र बांटते समय इन्होंने कहा है कि इस विभाग में और भी बहालियां आएंगी अभी। तो आपको बता देना चाहते हैं कि ये नियुक्ति पत्र जो है मुख्यमंत्री जी ने उन छात्रों को बांटा जो कि आज से 8 साल पहले इस फॉर्म के लिए आवेदन किए थे, और इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। वो कौन कौन से पद हैं उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ नया देखते हैं, नई बहाली की प्रक्रिया की बात करते हैं, जहां पे 2700 से भी ज्यादा बहाली की प्रक्रिया अपडेट की गई है। आपको बता दें कि इसमें 4 तरह की बड़ी वैकेंसी है, जिसके लिए कि आप छात्र अपने योग्यता के अनुसार यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। क्या है उम्र सीमा, योग्यता क्या है, आवेदन कब से कर सकते हैं, इन सब की जानकारी यहाँ से देंगे। सैलरी भी अच्छी है, हर पद के लिए अलग अलग सैलरी स्केल दी गई है। तो क्या आप इसके लिए आवेदन करने योग्य हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और क्या ये वैकेंसी संविदा के आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या परमानेंट जॉब है, इसके बारे में भी हम वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे और एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। सीधे लिए चलते हैं इनकी अपडेट पे दोस्तों। और अगर हम बात करें सबसे पहले और बड़ी वैकेंसी का, तो ये वैकेंसी अपडेट की गई है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से। विज्ञापन संख्या 3/2022 का है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो अपडेट है दोस्तों, ये निदेशक सूचना और जन संपर्क विभाग को दिया गया है 20 सितंबर को। कल देर शाम आपको ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट किया गया, जब नीतीश कुमार जी ने उन 8 साल के बाद छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटा। कुछ एक छात्र बचे हुए थे जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसके लिए बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ था लगातार। मैं इसके बारे में वैकेंसी के बारे में भी अपडेट दिया हूं, और इसके लिए लगातार प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। तो आपको बता दें यहां पे दोस्तों कि बिहार के विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत जो मान्यता आधारित है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, क्योंकि इस विभाग में अभी तक सभी वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही होती है। लेकिन हाँ, इनमें जितनी भी पद हैं, अगर उसके लिए आप कार्यरत हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपका जो संविदा का जो पीरियड है उसको बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि 3/2022 ये एडवर्टीजमेंट संख्या है, जहाँ पे 1944 पदों की वैकेंसी है। जी हाँ, 1944 पदों की, और ये विशेष सर्वेक्षण अमीन की भर्ती है, यानी कि बिहार में अमीन की रिक्रूटमेंट को लेकर एक बड़ा अपडेट है, जिसके लिए कि आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे समाचार पत्र के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही संस्करण में इसका प्रकाशन किया जाएगा। आज ऑफिशियल जो है पेपर है, उसमें ये सारी डिटेल आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे बता दें कि जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है 3/2022 की, ये विशेष सर्वेक्षण अमीन की है। इसके अलावा 3 ऐसे पद और भी हैं जिसके बारे में यहाँ पे डिटेल सारा दिया गया है। तो मैं आपको पहले तो इस वैकेंसी के बारे में बता दूं, कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट रिजर्व है। और इसमें रिजर्वेशन का फायदा उन्हीं को मिलेगा जो छात्र बिहार के निवासी हैं, और मैं तो कहूंगा कि सिर्फ बिहार के छात्र इसको आवेदन करें। और आवेदन करने के लिए ये जो लिंक है, ये इस वेबसाइट पर दिया जाएगा, www.lrc.bih.nic.in पे आपको यहाँ पे लॉग इन करना होगा और यहाँ पे आवेदन करना होगा। ये दोस्तों आपको बता दें कि विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो है संविदा के आधार पर नियोजन हेतु वैसे सुयोग उम्मीदवार को, जो कि भारत के नागरिक हैं, यानी कि वैकेंसी तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा उन बिहार के बाहर से आने वाले छात्रों को कि आप आवेदन ना करें। यहाँ पे आपका यहाँ पे पैसा तो मतलब समय तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आवेदन करने का फीस भी लग रहा है। तो ये अपडेट जो है आगे आपको नोटिफिकेशन जब दिया जाएगा अप्लाई करने का फॉर्म, उसमें लगेगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग बिहार के लिए, बिहार के छात्रों के लिए इस वैकेंसी को रहने दीजिए और आवेदन मत कीजिएगा। ये सिर्फ बिहार के छात्र ही इसको आवेदन करें, क्योंकि उनके ही क्षेत्र में, उनके ही जिला में उनको यहाँ पे नौकरी अपडेट की जाएगी। तो ये टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं दोस्तों, अनुसूचित जाति में 293, अनुसूचित जनजाति में 12, 288 अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है, और 161 पिछड़ा वर्ग से है। वहीं पर पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 93 सीट रिजर्व है, और जनरल कैटेगरी में 1005 सीट है। कुल मिला के यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को भी 92 सीट दिया गया है, और ये जो संख्याएं हैं घट बढ़ सकती हैं, यानी कि देखिए घटता तो कभी नहीं है, लेकिन बढ़ सकता है, हो सकता है कि वैकेंसी का संख्या यहाँ पे बढ़ जाए। आपको बता दें कि महिलाओं को यहाँ पे 35% का आरक्षण भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये संविदा के आधार पर, फिर भी यहाँ पे बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी के ये एक रहा है शुरू से, कि महिलाओं को आरक्षण देकर इनको आगे लेकर आया जाए, जो कि वो भी साथ में काम कर सके। 2% यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी की नाते नोतिन है, पोते पोतिन है, तो उनको यहाँ पे 2% का क्षैतिज आरक्षण मिलता है। जो दिव्यांगजन है उनको यहाँ पे 4% का आरक्षण मिलता है, और इनको जो है एज में भी रिलेक्शन मिलता है, जो कि 10 साल से ऊपर अनुमान्य है यहाँ पे।
आरक्षण की बात करें तो राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा यहाँ पे, यानी कि बिहार के छात्रों का ही सिर्फ यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और AICTE इसके संबंध में मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी की सभी आरक्षण कोटी में 40% क्षैतिज आरक्षण लागू होता है। यानी कि आप बिहार के जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपने यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग किया है या आप सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आपको यहाँ पे 40% का आरक्षण यहाँ पे आपको मिलेगा इस वैकेंसी के तहत। वैसे आप सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं, लेकिन बिहार से जो छात्र किए हैं और AICTE अप्रूवल है, बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों से जो छात्र यहाँ पे अपना डिग्री किया है उसको 40% का यहाँ पे छूट मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कहना है। अब यहाँ पे जो मानदेय और शैक्षणिक योग्यता है ये देख लीजिएगा। विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए यहाँ पे आपका डिप्लोमा चाहिए किसमें भाई, तो सिविल इंजीनियरिंग में, और 31,000 मानदेय यहाँ पे आपको दिया जाएगा जिसमें कि 24,202 जो है आपका बेसिक सैलरी होगा और प्लस में जो EPF वगैरह ESI वगैरह सरकार की अनुशंसा दी जाती है उसमें अपडेट होगा। मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट प्रति जो है 4,000 रुपये प्रति माह आपको 12 माह के लिए दिया जाएगा। ये आपको अलग से अपडेट किया गया है दोस्तों, जहाँ पे आपको इनका फायदा मिल सकता है। ठीक है, अंशदान जो है यहाँ पे 2,797 रुपये है, 4,000 लैपटॉप के लिए है और ये 12 महीने तक आपको अलग से दिया जाएगा जब तक आपका तो ये रहेगा, मतलब 1 साल का दिया जाएगा, फिर अगले साल भी जितने साल का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका। तो विशेष सर्वेक्षण अमीन के पश्चात यहाँ पे इनका प्रशिक्षण होगा। समय समय पर लैपटॉप मोबाइल और इंटरनेट होना अनिवार्य है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इसके हेतु नियोजन संविदा कर्मियों के 1 वर्ष तक प्रति माह 40,004 रुपये अतिरिक्त भुगतान भी यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद आगे के वर्षों के लिए मात्र इंटरनेट पर होने वाले 400 रुपये खर्च प्रति माह के पूर्ति नियोजन की अवधि तक दी जाएगी या की जाएगी। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि आज उम्र सीमा क्या है इस पोस्ट के लिए, तो 18 से लेकर 37 साल तक के छात्र हैं इसको आवेदन कर सकते हैं। और महिला वर्ग के लिए यहाँ पे आरक्षण है जो कि बिहार से संबंधित होनी चाहिए तब तो उनको यहाँ पे आरक्षण मिलेगा और 42 साल तक वो आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, नियोजन की अवधि मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि जो होगी 31 मार्च 2024 तक लिए होगी, यानी कि 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। अब ये जो है जॉब, देखिए मैं 1 साल का तो नहीं बोलता हूँ, इसको हमेशा बढ़ाया जाता है क्योंकि जितने भी लोग पहले ज्वाइन किए हैं और जो जॉब कर रहे हैं वो अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट लगातार हर साल रिन्यूअल कर दिया जाता है। विज्ञापन में जो रिक्तियां हैं ये 3 गुना संख्या के आधार पर ली जाएगी, जैसे कि मान लीजिए कि 1944 यहाँ वैकेंसी है तो इसका 3 गुना छात्रों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा और आधा जो अभ्यर्थी हैं काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किए जाएंगे, इतने लोग है ना, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि लगभग मान के चलिए 6,000 लोग जो है यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे, लगभग 6,000 है ना। रिक्त पद पर चयन हेतु यहाँ पर काउंसलिंग की सूची प्रतीक्षा सूची के रूप में मान्यता होगी, यानी कि आपका वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे दिया जाता है। और चयनित कर्मियों के पैनल में जो कि 31 मार्च 2024 तक ये प्रभावी रहेगा। ठीक है, और आवश्यकता के आधार पर जो प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट के पैनल होंगे उसकी अवधि नियोजन बढ़ाई भी जा सकती है। तो जैसे अगर सीट खाली होता है, बहुत लोग का कहीं जॉब लग जाता है छोड़ के चले जाते हैं, तो जो वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है उनको यहाँ पे बुला लिया जाएगा। अब चयन का प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो देखिए मैट्रिक और डिप्लोमा यानी कि जो आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है उसमें दोस्तों प्राप्तांक आधार पे आपका मैट्रिक के लिए करीब 10 अंक यहाँ वेटेज होगा। डिप्लोमा ITI किए हैं तो उसमें 90 अंक का वेटेज आपको दिया जाएगा। आधार पर यहाँ पे मेगा सूची आपका तैयार किया जाएगा और चयन की कार्रवाई की जाएगी आपके साथ। अच्छा, इसमें निम्न उदाहरण को साझा किया जा रहा है, देखिएगा कि यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80% है, डिप्लोमा में 70% है, तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक का जो वेटेज होगा यहाँ उसको 10 से गुना करके 100 से भाग दिया जाएगा, यानी कि 8 अंक आपको मैट्रिक के मिलेगा जिसका 80% इस तरह से निकालना आपको। डिप्लोमा मान लीजिए 70% है तो उसको 90% का अंक का वेटेज मिलेगा, तो 90 से गुना करके 100 से भाग दे दिया जाएगा, यानी कि ये 63 यही आपका मेन है, इसी के आधार पर जो है आपका जो है मेरिट बन सकता है। जो डिप्लोमा वाला डिग्री है इसमें कितना परसेंट का डिग्री है ये आप ध्यान देना, उसको 90 से गुना करके 100 से भाग दे दीजिएगा, जितना अंक आएगा वो आपका अंक होगा। इस प्रकार मेगा सूची का निर्माण होगा। कुल वेटेज यहाँ पे 63+8 का होता है, जैसे कि ये कैलकुलेट किया गया है, दोनों को ऐड करके 71 अंक दिया गया। तो अगर 71 अंक कट ऑफ जाता है, जितने भी छात्र के फॉर्म आते हैं उनका कैलकुलेशन किया जाता है, तो यहाँ पे वो जो है कि आगे बढ़ते हैं, यानी कि सूची में उनका नाम आएगा। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 27 सितंबर से है और 21 अक्टूबर तक भरी जाएगी इस फॉर्म को। जी हाँ, तो ये आवेदन करने की तिथि हो गई यहाँ पे। और विज्ञापन और शर्तों के संबंधित सभी अधिकार निदेशालय के अधीन है,
ये कभी भी रद्द किए जा सकते हैं। इसके लिए ऊपर आप लोग कोई भी केस मुकदमा नहीं कर सकते आप लोग। ये ऑफिशियल वेबसाइट एलआरसी के आ सकता है, वहां पे देखी जा सकती है, जो कि आपको 27 सितंबर से देखने को मिलेगा। एलआरसी के इस वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना होगा और ये लिंक दिया जाएगा अभ्यर्थियों को, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको अभ्यर्थियों को मोबाइल और ईमेल आईडी पर आपका पासवर्ड भेजा जाता है, और ये प्रोसेस है आपका आवेदन करने का, ये मैं आपको बताऊंगा जब फॉर्म भरा जाएगा तो, और इसी के आधार पर इनका चयन होगा। तो ये हो गया दोस्तों एक वैकेंसी जो कि 1944 पदों का है। अब दूसरा विज्ञापन भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये दूसरा विज्ञापन है 2-2022 का। इसमें जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों, ये देख सकते हैं 240 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट रिजर्व है जितना कि आपको दिया गया है। बाकी सारा आरक्षण का प्रोसेस यहाँ पे बिल्कुल सेम है जैसा कि विशेष सर्वेक्षण कानूनों के लिए है। आरक्षण जो है आपको बता दें कि इसमें उन्हीं छात्रों को मिलेगा। कितना, 40% का वेटेज दिया जाएगा किसको, जो बिहार सर राज्य सरकार के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से आपने इंजीनियरिंग किया है डिप्लोमा में, यानी कि यहाँ भी जो क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, तो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए। अगर बिहार के विद्यालयों से है, जो कि बिहार के सरकारी कॉलेजों से है, तो आपको 40% का वेटेज यहाँ पे मिलेगा, आरक्षण मिलेगा आपको यहाँ पे। इसकी सैलरी ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 36,000 की सैलरी है जो कि यहाँ पे, और जो भी आपको अलग से अलाउंस वगैरह मिल रहा है लैपटॉप के लिए 12 महीने का, वो मिलेगा। और ये दोस्तों न्यूनतम कार्य अनुभव इसमें मांगा गया, यानी कि एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो 2 वर्ष का सरकारी निबंधित गैर सरकारी संस्था के कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। 2 साल एटलीस्ट आपके पास किसी भी सरकारी संस्था में काम करने का अनुभव होना चाहिए। अभियुक्ति, न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव के वर्ष के लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा, मैक्सिमम 20 अंक दिया जाएगा, यानी कि 4 साल मैक्सिमम आपका एक्सपीरियंस हो और मिनिमम कम से कम 2 साल हो, ये ध्यान रखिएगा। उसी के आधार पर आपका चयन होगा। उम्र सीमा यहाँ भी 37 साल है। बाकी आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो कि बिहार के छात्र छात्राएं हैं। अच्छा, नियोजन की अवधि जो होगी ये भी आपको बताया जा रहा है कि दोस्तों 1 साल की है, यानी कि अगले 2024, 2 साल की माफ करेंगे, वहां भी 2 साल का है, तो ये देखिए 31 मार्च 2024 तक का है, तो ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। वहां भी देखिए माफ करेंगे, वहां भी 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और ये 31 मार्च 2024 तक प्रभावी होगा, और प्रतीक्षा सूची के पैनल में यहाँ पे अवधि में इसका नियोजन किया जाएगा। चयन का प्रक्रिया यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक, डिप्लोमा और जो एक्सपीरियंस है उनका कैलकुलेशन किया जाएगा। जैसे कि मैट्रिक मान लीजिए 80% है, तो 10 से गुना करके 10 अंक का वेटेज दिया जा रहा है यहाँ पे, 10 से गुना करके 100 से भाग, यानी कि 8 अंक मिला। वही तरह यहाँ पे जो अगर मान लीजिए डिप्लोमा में आपका 70% है, तो इसको 70 से डिवाइड किया जाएगा। इसमें आपको जो डिप्लोमा का 70% वेटेज दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो 70% मान लीजिए मार्क्स है, तो 70 से भाग देंगे, 100 से गुना करके 100 से भाग देंगे, तो मान लीजिए 49 नंबर आया। और 2 वर्ष का कार्य अनुभव, यानी कि पांच पांच हर साल के लिए आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस का अंक मिल रहा है, तो 5×2 10 अंक यहाँ से मिल गया, तो ये आपका मान लीजिए कुल कैलकुलेट होके जो है ये 67 अंक आया, और 67 अंक का कट ऑफ अगर पार करते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। लेकिन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अगर छात्र फॉर्म भरते हैं, ज्यादा लोग फॉर्म भर के यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं, तो ये कट ऑफ बढ़ भी सकता है ना। देखा जाएगा कि किसका मेरिट अच्छा है, किसका स्कोर अच्छा बन रहा है, उनको प्रायोरिटी दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि 27 सितंबर से ये भी फॉर्म होगा आवेदन, 21 अक्टूबर तक आवेदन किया जाएगा। विज्ञापन संघ जो है यहाँ पे आपको बता दें कि ये संशोधित किया जा रहा है। निदेशालय विज्ञापन को ये हटाया भी जा सकता है, रद्द भी किया जा सकता है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। आप इसका जो संशोधन है ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, और इसको लॉग इन करके आवेदन कर सकते हैं। लॉग इन कर आवेदन करने से पहले आपका एजुकेशनल डिटेल, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा रजिस्ट्रेशन करते समय, और आपका एप्लीकेशन भरते समय एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट करके फिर आप समझेंगे कि यहाँ पे इसने आपने इसके लिए फॉर्म भर दिया है, ठीक है। तो ये 2 वैकेंसी का अपडेट हो गया यहाँ पे। तीसरी बड़ी वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये वैकेंसी संख्या जो है विशेष सर्वेक्षण लिपिक क्या है, यानी कि क्लर्क की वैकेंसी है 4/2022, जिसमें कि 226 पदों की टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करते हुए कृपा करें। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 4/2022 को बिहार के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र हिंदी और अंग्रेजी में इसके बारे में अपडेट भी किया गया है। अब देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे इसके बारे में कि 226 जो पद हैं इनके लिए आरक्षणवार यहाँ पे सीटों का विवरण दिया गया है, किस कैटेगरी में कितना सीट रिजर्व है। यहाँ भी आरक्षण को लेकर जो भी मानदंड है, यानी कि जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो बिल्कुल सेम है ना। किसको किसको कितना आरक्षण मिल रहा है, कितना परसेंट का आरक्षण उनको दिया जा रहा है, उसके आधार पर उनको चयन किया जाएगा। ये दोस्तों स्नातक डिग्री वाले छात्र यहाँ लिपिक में आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। 25,000 की सैलरी यहाँ पे आपको दी जाएगी। विशेष सर्वेक्षण लिपिक का ये पद है, जहाँ पे आपका उम्र सीमा 37 साल होना चाहिए मैक्सिमम,
18 से 37, 21 से 37 साल, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बाकी जो छात्र छात्राएं हैं कैटेगरी वाले, उनको यहाँ पे एज रिलेक्शन मिलेगा। महिलाओं को भी एज रिलेक्शन 42 साल तक का दिया गया है। नियोजन की अवधि जो होगी 31 मार्च 2024 तक के लिए होगी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसको बढ़ाया भी जा सकता है अगर आपका काम अच्छा रहा तो। विज्ञापन में वर्णित रिक्त की 3 गुना संख्या को यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 226 है तो 3 गुना छात्रों को यहाँ भी बुलाया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और इनको जो है प्रभावी रखा जाएगा, इनके वेटिंग लिस्ट को भी। मैंने बोला ना कि जो भी छात्र यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, मान लीजिए कि उनका कहीं चयन हो जाता है, तो वेटिंग लिस्ट में से इनको बुलाकर ये काम करवाया जाता है। तो इनको फिर 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है इनका। तो ये है दोस्तों, इसमें चयन का प्रक्रिया भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक, इंटर और स्नातक, ये 3 जगहों का जो कि यहाँ पे आपका एज कैलकुलेट, जो कि मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा, और साथ में मास्टर डिग्री भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा जो प्रतिशत है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 10 अंक आपका मैट्रिक के लिए मिल रहा है, 15 अंक वेटेज दिया जा रहा है इंटर के लिए, और 70 अंक आपका जो है दिया जा रहा है स्नातकोत्तर के लिए, ठीक है, यह ध्यान रखिए। और 5 अंक का वेटेज दिया जा रहा है दोस्तों, अधिकतम वेटेज दिया जा रहा है मेघा सूची में किसके लिए, स्नातकोत्तर के लिए, और ये जो 70 अंक है आपका ग्रेजुएशन के लिए। तो ये कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा। जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक में आपका 80% है, तो 10 से गुना किया, 10 अंक का वेटेज दिया गया और 100 से भाग दे दिया गया, तो 8 अंक आया। इंटर में मान लीजिए 70% है, तो यहाँ पे 15 अंक का वेटेज मिल रहा है, तो ये 100 से भाग दे दिए, तो 10.5 हो गया। स्नातक में आपका 60% है मान लीजिए, इसको 70% का वेटेज मिल रहा है यहाँ पे, इसको 100 से भाग दे दिए तो 42 अंक आ गया। और जो मास्टर डिग्री किए हैं उनको, ये ऐसे कंपलसरी नहीं है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, बट ये ध्यान रखिएगा अगर है तो आपको इसमें अंक फायदा मिलेगा, 2.5 अंक यहाँ से आपको मास्टर डिग्री का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 अंक का वेटेज है यहाँ पे मास्टर डिग्री के लिए, ध्यान रखेंगे। तो ये कुल कैलकुलेट करके 63% आया, 63 अंक आया। 63 अंक जो आया आपका, ये अगर कट ऑफ का सिनेरियो सजेस्ट किया गया है, लेकिन अगर मान लीजिए इससे ऊपर किसी का रैंक आ गया, नंबर आ गया, तो उसको प्रायोरिटी यहाँ पे दिया जाएगा। इसके लिए भी आप आवेदन 27 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक करेंगे, रात के 12 बजे तक। और विज्ञापन जो है दोस्तों, जितना भी शर्त यहाँ पे दिया गया है उसी के आधार पे आपका अधीन होगा, और विज्ञापन जो है कभी भी रद्द किया जा सकता है, मतलब सरकार के अनुसार। तो ये LRC यानी कि भू राजस्व विभाग की तरफ से वैकेंसी है, इसकी वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। आवेदन करने की जो प्रक्रिया दी गई है, बिल्कुल मैं आपको इसका फॉर्म भर के भी बताऊंगा जब आएगा तो 27 सितंबर को। दोस्तों एक और वैकेंसी का अपडेट है, ये वैकेंसी है 1/2022, 96 पदों की वैकेंसी है। अब ये जो वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये जो वैकेंसी का अपडेट है, ये है आपका विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का, जहाँ पे 96 पदों की वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट चेक कर सकते हैं आप लोग, है ना, ये भी देख सकते हैं, इसमें रिक्तियां बढ़ाई भी जा सकती हैं अभी आगे। और यहाँ पे भी आपको आरक्षण का फायदा बिल्कुल सेम है जो कि बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और ये देख सकते हैं इसका सैलरी काफी अच्छा है, यानी कि 59,000 तक की सैलरी है, प्लस में आपको ये अलाउंस वगैरह मिलेगा हर महीने का। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है सरकारी संस्था का, और न्यूनतम कार्य अनुभव के आधार पे 5 अंक मिलेगा और मैक्सिमम 20 अंक तक मिलेगा, यानी कि 4 साल तक का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है 4 वर्ष का, तो आपको 20 अंक तक भी मिल सकते हैं और वेटेज आपका बढ़ सकता है। सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक यानी कि BE BTEC अगर आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी क्षेत्र में आपका होना चाहिए। तो सिविल इंजीनियरिंग में है, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं काम कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन की कंपनी में, तो आपके लिए ये बेहतरीन ऑफर है ना, बेहतरीन आपका मौका है यहाँ पे आपको यहाँ पे नौकरी पाने का। उम्र सीमा यहाँ पे बिल्कुल 40 वर्ष तक का है, चूंकि एक्सपीरियंस है यहाँ पे 21 से लेकर 37 साल तक का एज है। 40 साल तक की महिलाओं के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष और पुरुष वर्ग के लिए छात्रों के लिए है यहाँ पे 42 साल। और नियोजन का अवधि यहाँ भी 2 साल का दिया गया है, 31 मार्च 2024 तक ये अपडेट रहेगा। चयन का प्रक्रिया यहाँ भी बिल्कुल सेम है, जहाँ पे आपको इंटर के लिए 10% 10 अंक का वेटेज है। मान लीजिए 80% आपका इंटर मैट्रिक में है तो 8 अंक मिलेगा, 70 इंटर में है तो 15 का वेटेज देकर यहाँ पे 10.5 अंक मिलेगा। मान लीजिए कि स्नातक में 60% बना है तो यहाँ पे 50 वेटेज मिलेगा, 50% का, और 30 अंक मिलेगा। फिर वही स्नातोत्तर अगर किए हैं तो यहाँ पे आपको 5 अंक का वेटेज यहाँ और भी दिया जाएगा। और जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम वहाँ पे 2 साल का तो वेटेज आपको मिलेगा, जो कि 5 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे 10 अंक बन सकता है, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे 15 अंक मिल सकता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे वेटेज कैलकुलेट किया जाएगा जोड़ के।
सपोज मान लीजिए कि आपका 61% आया और 61% से कम कोई है तो आपका पहले सिलेक्शन होगा, या 61% से ज्यादा आपका आया और उससे ज्यादा भी लोग लेकर आ गए तो उनका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो इस आधार पे यहाँ पे चयन का प्रक्रिया है। 27 सितंबर से ये भी फॉर्म भरे जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। फॉर्म कैसे भरना है इसका प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, लेकिन मैं आपको फॉर्म भर के बताऊंगा, इसके बारे में सारा डिटेल एक एक करके सारा अपडेट दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारी डिटेल दी है जो कि यहाँ पर बिहार की इस बम्पर वैकेंसी के बारे में अप टू डेट किया गया है। आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद, और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा।